नमस्कार, आज का प्रेडिक्शन है 31 जनवरी 2021 के बारे में। दैनिक नक्षत्र राशिफल में आप सबका स्वागत है। आज ग्रहों की परिस्थिति और पंचांग कुछ इस प्रकार रहेगा। विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की 12 तिथि है, सुबह 10:40 तक। उसके बाद तिथि 13 से चालू होगी। नक्षत्र अनुराधा है, रात को 10:05 तक। उसके बाद नक्षत्र ज्येष्ठ चालू होगा। योग सूर्य करण घर और चंद्र राशि जो है वो वृश्चिक है। और बाकी के ग्रहों की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। सूर्य जो है वो धनु राशि के अंदर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। मंगल वृश्चिक राशि के अंदर ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर है। बुध मकर राशि में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। गुरु घनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि के अंदर है। शुक्र का जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा है और वक्री होकर आज सुबह, अब जब ये प्रेडिक्शन बना रहे हैं 30 तारीख की दोपहर में, तो आज सुबह 7:59 यानी कि 7:59 को शुक्र वक्री होकर मकर में से धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो काफ़ी लंबा रहने वाले हैं। शुक्र धनु राशि के अंदर अप्रोक्सीमेटली 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में चलने वाले हैं। तो शुक्र 5 तारीख तक जो है ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, इसमें से फिर चलेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। 5 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले, बहुत लंबा टाइम रहेगा शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। अप्रोक्सीमेटली 5 जनवरी से 5 फरवरी, 1 महीना और 17 दिन शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चलेंगे। 5 जनवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक, तो ये लंबी ट्रांजिट होगी शुक्र की पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। और इसके बारे में भी एक अलग से प्रेडिक्शन बना देंगे कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में क्या फल देंगे। लेकिन आज का तो प्रेडिक्शन है दैनिक नक्षत्र राशिफल। शनि का जो नक्षत्र है वो श्रवण है, मकर राशि के अंदर है। राहु कृतिका नक्षत्र के अंदर है, वृषभ राशि के अंदर। और केतु अनुराधा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि के अंदर। तो वृश्चिक के अंदर आज 3 ग्रह चलेंगे। चंद्रा जिसका नक्षत्र है अनुराधा, और रात को 10 बजे के बाद चलेंगे चंद्र ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर। केतु अनुराधा, मंगल ज्येष्ठ, ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर है। सूर्य धनु राशि के अंदर है, शुक्र धनु राशि के अंदर है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो मेल फीमेल रिलेशन, पति पत्नी के संबंध आज के दिन में कैसे रहेंगे। तो आज सूर्य का जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा है, चंद्र अनुराधा है, और रात को 10 बजे के बाद ज्येष्ठ नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि वृश्चिक और धनु ये जो राशि है, वृश्चिक जल तत्व की राशि है और जो धनु है वो अग्नि तत्व की राशि है, यहाँ पर ही ये लोग मार खा जाते हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन है वृश्चिक और धनु का, मेल फीमेल रिलेशन, तो ये जबरदस्त टेंशन वाला आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि राशि का एक तो मूलभूत गुणधर्म जो बोलते हैं ये जल तत्व और अग्नि तत्व का है। अब नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो अनुराधा नक्षत्र के लिए जो पूर्वाषाढ़ा है ये सेम है, लेकिन पूर्वाषाढ़ा के लिए जो अनुराधा है वो वध नक्षत्र में है। तो वध तारा जो है वो शुभ फल देने वाला नहीं है, जिसके कारण जो लव रिलेशनशिप है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने की संभावना है। बदलने के बाद चंद्र ज्येष्ठ में जाने के बाद भी चंद्र के लिए जो सूर्य है वो विपत नक्षत्र में होंगे, यानी कि ज्येष्ठ के लिए जो पूर्वाषाढ़ा है वो विपत नक्षत्र है, विपत माने टेंशन। तो ये भी ठीक नहीं है,
तो लव रिलेशनशिप जो है आज के दिन में कुछ ठीक नहीं होगा। तो जो भी जातक विवाहित हैं, रिलेशनशिप में हैं, इनको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में केयर करना होगा। कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, उसका केयर करना होगा। तो जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि से आज का दिन कैसा रहने वाला है। चंद्र आपके 8वें स्थान के अंदर है। पारिवारिक मामलों को लेकर आज का दिन कुछ ठीक नहीं है। वृषभ राशि में नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो अश्विनी वाले जातकों के लिए मित्र और अति मित्र नक्षत्र में चंद्र है। भरणी वाले जातकों के लिए रात को 10 बजे तक ठीक नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा कंफर्ट जोन के अंदर आएंगे। और कृतिका वाले जातकों के लिए चंद्र 8वें स्थान में साधक और रात को 10 बजे के बाद वध नक्षत्र में होंगे, तो कुछ अनकंफर्टेबल ज़्यादा फीलिंग करवाएंगे रात को 10 बजे के बाद। तो जिनका भी जन्म का सूर्य कृतिका है या चंद्र कृतिका है, ये दोनों जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा। पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत केयरफुल रहना होगा। वृषभ कृतिका के लिए चंद्र 7th हाउस के अंदर होंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि 7वें स्थान में ऑलरेडी मंगल, केतु और जो ट्रांजिट है, तीन ग्रहों की ट्रांजिट जैसे हमने बताया कि वृश्चिक राशि के अंदर, तो ये जो ट्रांजिट है आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाली है। तो कम्युनिकेशन में खास करके केयर करना होगा आपके पार्टनर के साथ। चंद्र चंद्र की राशि 7th हाउस के अंदर है। मंगल, केतु और चंद्र 7th हाउस में है, तो ये कुछ ठीक नहीं है। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको बहुत केयरफुल रहना होगा अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में। वृषभ कृतिका के लिए रात को 10 बजे के बाद थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है। प्रत्यारी नक्षत्र है अनुराधा रोहिणी वाले जातकों के लिए, और रात को 10 बजे के बाद जब चंद्र चलेंगे ज्येष्ठा में तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन के अंदर आएंगे रोहिणी वाले। मृगशिरा के लिए 10 बजे तक सेम तारा है, लेकिन उसके बाद फिर प्रत्यारी है तो ओपोजिशन होगा पार्टनर के साथ। तो ऐसे कुछ ठीक नहीं है रिलेशनशिप आपका भी अपने पार्टनर के साथ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन में जन्मे हुए जातकों के लिए चंद्र 6th हाउस के अंदर है, तो 6th हाउस में चंद्र का जो ट्रांजिट है, मृगशिरा जो है, इनके लिए एक सैम तारा है रात को 10 बजे के बाद। लेकिन जो प्रत्यारी नक्षत्र है, ज्येष्ठ आपका प्रत्यारी नक्षत्र है, ऑपोजिशन होगा आपके साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण या तो आपके मामा मौसी के साथ। आद्रा वाले जातकों के लिए आज का दिन बिल्कुल कंफर्ट जोन नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल कंफर्ट जोन नहीं है, क्योंकि अनुराधा और ज्येष्ठा आपका शत्रु नक्षत्र है। पुनर्वसु के लिए आज का ट्रांजिट जो है वो 10 बजे के बाद विपत नक्षत्र होगा। 10 बजे तक संपत है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद विपत नक्षत्र स्टार्ट होगा, तो आपके लिए भी अनकंफर्ट जोन रहेगा। तो लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने का आता है, तो तमाम मिथुन राशि वाले जातकों को आज का दिन केयरफुल रहना होगा, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कर्क राशि में जन्म हुए जातकों के लिए चंद्र 5वें स्थान के अंदर होंगे। पुनर्वसु के लिए 10 बजे तक तो संपत नक्षत्र है, लेकिन उसके बाद अनकंफर्ट जोन है। पुष्य वाले जातकों के लिए दिन आज का ठीक रहेगा, जन्म नक्षत्र और संपत नक्षत्र है तो आपके लिए ठीक है, आश्लेषा के लिए भी ठीक है। सिंह राशि में जन्म हुए जातकों के लिए आज का चंद्र 4थे स्थान के अंदर होंगे, तो फिर भी जो नक्षत्र ट्रांजिट है मघा के लिए, ये अनुराधा मित्र नक्षत्र है, ज्येष्ठा अति मित्र नक्षत्र है, तो आपके लिए ठीक है। और पूर्व फाल्गुन के लिए जो नक्षत्र है ये वध नक्षत्र है रात को 10 बजे तक, उसके बाद जो नक्षत्र होगा ज्येष्ठा आपका मित्र तारा है। और उत्तरा फाल्गुनी में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए मित्र है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद जो नक्षत्र होगा वो वध नक्षत्र होगा, तो उसके बाद का जो टाइम है वो थोड़ा सा शांति से पास करना होगा सिंह उत्तरा फाल्गुनी और कन्या उत्तरा फाल्गुनी दोनों को। कन्या उत्तरा फाल्गुनी वाले के लिए जो ट्रांजिट है
ये पराक्रम स्थान में होगी। तो साधक हैं 10 बजे के बाद वध नक्षत्र हैं तो ठीक नहीं है, और अष्टमी जनक जन्म हुआ है अनुराधा 10 बजे तक आपके लिए प्रत्यारी हैं, ऑपोजिशन करवाने वाला है आपके भाई बहन या नेबर्स के साथ, लेकिन 10 बजे के बाद आप कंफर्ट जोन के अंदर आएंगे। ऐसे ही चित्रा वाले जातकों के लिए एक सेम तारा है, लेकिन 10 बजे के बाद जो ज्येष्ठा नक्षत्र चालू होता है वो आपका प्रत्यारी है, ऑपोजिशन करवाएगा आपका आपके ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ। तुला चित्रा के लिए एक सेम तारा है अनुराधा, लेकिन ज्येष्ठा प्रत्यारी है, ऑपोजिशन करवाएंगे फैमिली मेंबर्स के साथ। तो रात को 10 बजे के बाद आपको केयरफुल रहना होगा। और ज्येष्ठा की जो ट्रांजिट है ये 1 जनवरी को रात को शाम को 7:18 तक है। तो तुला चित्रा में जिनका जन्म हुआ है ई जातकों को थोड़ा सा शांति से समय पास करना होगा, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। तो शादी के लिए अनुराधा जो है वो विपत नक्षत्र है, लेकिन ज्येष्ठा 10 बजे के बाद चालू होने के बाद आप कंफर्ट जोन के अंदर आएंगे फाइनेंशियल और पारिवारिक मामलों को लेकर। और उसके बाद बात करेंगे नक्षत्र ट्रांजिट से। विशाखा के लिए अनुराधा संपत नक्षत्र है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद चालू होने वाला ज्येष्ठा नक्षत्र आपके लिए विपत नक्षत्र है। तो पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर आप सबको बहुत केयरफुल रहना होगा। वृश्चिक राशि, जिनका जन्म ही वृश्चिक राशि के अंदर है इनके लिए क्या होगा, आपका जो जन्म का चंद्र है वो हमेशा पुष्टिकर्ता माना जाता है। तो विशाखा के लिए अनुराधा संपत नक्षत्र है, लेकिन ज्येष्ठा की ट्रांजिट अनकंफर्टेबल फेस करवाने वाली होगी। अनुराधा में जिनका जन्म हुआ है जन्म नक्षत्र आपके लिए हमेशा शुभ फल देने वाला होता है। ज्येष्ठा का नक्षत्र भी आपके लिए संपत तारा है, तो आपके लिए दिन आज का एक्सीलेंट रहने वाला है। लेकिन जो ट्रांजिट है मंगल और केतु का आपकी राशि के अंदर, राहु आपके सेवंथ हाउस में चल रहा है, तो जो भी जातक विवाहित है, मैरिड है, इनको खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। तो ज्येष्ठा के लिए फल क्या होगा, अनुराधा आपका अति मित्र नक्षत्र है और ज्येष्ठा आपका जन्म नक्षत्र है, तो आपके लिए भी दिन आज का ठीक है, प्रबल लक्ष्मी योग बन रहा है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि मंगल ऑलरेडी ज्येष्ठा नक्षत्र में भ्रमण शुरू कर चुके हैं, जो कि अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म जातकों को एक्सीलेंट फल देने वाले हैं। धनु राशि के लिए ट्रांजिट 12वें स्थान में है, चंद्र मंगल और केतु ये शुभ नहीं है, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर के साथ रिलेशन को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना है। आने वाले 2 दिन जब तक चंद्र आपकी राशि के अंदर नहीं आते हैं तब तक आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। मूला के लिए दोनों ट्रांजिट ठीक नहीं है, अनुराधा और ज्येष्ठा शत्रु नक्षत्र हैं, शत्रु योनि के नक्षत्र हैं। और पूर्वाषाढ़ा के लिए जो अनुराधा हैं वो थोड़ा ज़्यादा घातक हैं, क्योंकि वध नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा आपका मित्र नक्षत्र है, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन आएगा रात को 10 बजे के बाद। और उत्तराषाढ़ा के लिए जो अनुराधा हैं वो साधक हैं, लेकिन 10 बजे के बाद जो ज्येष्ठा नक्षत्र चालू होगा वो आपका वध नक्षत्र है, तो लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। मकर राशि में जन्म जातकों के लिए चंद्र लाभ स्थान के अंदर है, मकर उत्तराषाढ़ा के लिए अनुराधा साधक नक्षत्र है, लेकिन ज्येष्ठा आपका वध नक्षत्र है। और श्रवण के लिए जो अनुराधा है वो प्रत्यारी है, लेकिन ज्येष्ठा साधक है, तो आपके लिए ठीक है। संतान रिलेटेड आपके कार्य बनेंगे, मित्रों से लाभ रहेगा, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा। और घनिष्ठा के लिए अनुराधा क्षेम है, लेकिन जो ज्येष्ठा है वो आपके लिए प्रत्यारी है, ऑपोजिशन होगा अपने स्त्री मित्रों के साथ या आपके संतानों के साथ। मकर घनिष्ठा के लिए, कुंभ घनिष्ठा के लिए चंद्र 10वें स्थान के अंदर होंगे, तो बिजनेस कारोबार को इम्प्रूव करने वाले होंगे। और जो नक्षत्र ट्रांजिट है आपके लिए कुंभ घनिष्ठा के लिए जो नक्षत्र अनुराधा है क्षेम तारा है, लेकिन ज्येष्ठा आपका प्रत्यारी है, ऑपोजिशन करने वाला होगा आपके फादर के साथ, मदर के साथ, विवाहित जातकों को अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा।
और जो भी जहाँ तक बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इनको अपने अपर लेवल के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसका भी केयर करना होगा। कुंभ कनिष्ठा खास करके रात को 10 बजे के बाद इंडिया टाइम पर। तो शत विशा के लिए फल क्या होगा? अनुराधा जो है वो विपत्त नक्षत्र है, तो 10 बजे तक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ट्रांजिट है, लेकिन ज्येष्ठ चालू होने के बाद आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। और पूर्व भाद्रपद के लिए अनुराधा संपत नक्षत्र है, तो एक्सीलेंट रहेगा। रात को 10 बजे तक जब तक आपका नक्षत्र अनुराधा है, आपका बिजनेस करियर के रिगार्डिंग एक्सपन फादर के साथ रिलेशन सब कुछ एक्सीलेंट है, लेकिन जैसे ही चंद्र बदलते हैं रात को 10 बजे के बाद विपत नक्षत्र में चलेंगे तो प्रोग्रेस होगा लेकिन टेंशन के साथ होगा। और ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो ये कम्युनिकेशन का नक्षत्र है, तो खास करके तमाम जातकों को रात को 10 बजे के बाद कम्युनिकेशन में बहुत केयरफुल रहना होगा, अन्यथा एक्सेस कम्युनिकेशन, अतिशय कम्युनिकेशन के कारण, ज़्यादा बोलने के कारण गड़बड़ और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो तमाम जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा कम्युनिकेशन के अंदर। नक्षत्र शांति के लिए क्या करना है? खाने में हरा भरा मूंग का प्रयोग करें। और मीन पूर्व भाद्रपद के लिए फल क्या होगा? आपके लिए भी जो 10 बजे तक अनुराधा है वो संपत है, लेकिन ज्येष्ठ आपका विपत नक्षत्र है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन में अपने ब्रदर सिस्टर्स नेबर्स ये सब के साथ केयर करना होगा। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए जन्म तारा और संपत नक्षत्र है, तो एक्सीलेंट फल होगा। मीन रेवती के लिए भी एक्सीलेंट फल है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। आज की जो सितारे हैं मीन राशि के भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। इस नक्षत्र प्रेडिक्शन को लाइक का एक बटन जरूर बनता है। और भी क्या आप देखना चाहते हैं नए प्रेडिक्शन, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रेडिक्शन अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिले और उनको लाभ मिले। नमस्कार। जय गणेश। जय श्री द्वारकाधीश।